થઈ ક્રૂઝની મજા માણવા માટે હવે તમારે ક્રૂઝની મજા માણવા માટે દૂર નહીં જવું પડે આપણા સુરત થી મુંબઈ જવા માટે ક્રૂઝની રોરો ફેરી શરૂ થઈ ચૂકી છે અત્યાર સુધી આપણે હવાઈ અને માર્ગ થી મુંબઈ ની સફળ કરી છે પરંતુ આજ થી સુરતી લાલાઓ જળમાર્ગ થી પણ મુંબઈ જઈ શકશે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મુંબઈની એસએસઆર કંપનીને આપવામાં આવેલ પરવાનગીને પગલે તારીખ પંદરમી નવેમ્બરથી સુરતથી મુંબઈ સુધીની ક્રુઝ સેવા માણવા મળશે આજે બપોરે બાર વાગ્યે એસઆર જેટથી આ ક્રુઝને ફ્લેગ ઓફ કરવામાં આવ્યો હતો ગરવી ગુજરાત મેરા નામ સંજીવ અગ્રવાલ હૈ ક્રુઝ શિપ મુંબઈ ટુ हजीरा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज इसका उद्घाटन चालू करने का कर सूरत ये हजीरा जो पोर्ट है ये माइनर पोर्ट है और जहाँ मुंबई में जाने वाले बैंडरा वाली सीलिंग वो भी एक माइनर पोर्ट है तो इन दोनों माइनर पोर्ट को और दो स्टेट के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए मैंने इन दोनों डेस्टिनेशन को चुना दूसरा कोस्टल टूरिज्म जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इसका जो योगदान दे रही है जो महत्वपूर्णता दे रही है इसको उसमें हमारा एक छोटा योगदान है और मेरा मानना है कि अगर हमको विकसित देश की श्रेणी में आना है तो हमको इस पर काम करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा तभी हम जल्दी से विकसित देश की श्रेणी में आएंगे और हम सबका सपना है कि हम एक जल्दी बहुत कम समय में विकसित विकसित देश में आए हमारे माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना है उनका विज़न है अपने मुख्यमंत्री श्री रूपानी साहब का विज़न है महाराष्ट्र का भी सबका सहयोग है और सूरत वासियों का पूरा पूरा सहयोग है आशीर्वाद आपने देखा होगा सूरत के सभी गणमान्य व्यक्ति हैं मैं उनसे सबसे आग्रह करता हूँ यहाँ पे आए और अपना आशीर्वाद और इसका एक बार मजा आता है। ફેરીના ઓપરેટર અને સર્વિસીસના સંજીવ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે આ બંને શહેરો વચ્ચે મુંબઈ ઇન નામની ક્રુઝ સેવાનો શરૂઆતના ધોરણે અઠવાડિયામાં એક વખત લાભ આપવામાં આવશે ફેરી સર્વિસ દર બુધવારે બાંદ્રા વર્લી સી લિંકથી આજે પાંચ વાગે નીકળશે અને શુક્રવારે સવારે નવ વાગે હજીરા જેટી પહોંચશે જે ફરી મુંબઈ જવા શુક્રવારે સાંજે પાંચ વાગ્યે નીકળશે અને શનિવારે સવારે નવ વાગે પહોંચાડશે હાલ ત્રણસો વ્યક્તિઓની ક્ષમતાવાળી ક્રૂઝ નું ભાડું ત્રણ થી પાંચ હજાર સુધીની વચ્ચે આંકવામાં આવી રહ્યું છે हाई माई नेम इस ट्विंकल सहगल एम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ़ मुंबई मेड एंड क्रूज़ अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं मिस इंडिया एशिया पैसिफिक रनर अप रह चुकी हूँ टू थाउजेंड सेवेंटीन की और मुझे बहुत खुशी है आज आपको ये बताते हुए कि आज हम पहली वॉज तय करने जा रहे हैं मुंबई मेडन क्रूज़ की जो कि जाएगी सूरत से मुंबई और ये टू एंड फ्रो वॉज रहेगा ये मुंबई से सूरत भी आएगा दिस इज गोइंग टू बी ओवर नाइट जर्नी आज हम खड़े हजीरा पोर्ट पर और हम हैं आज लोअर डेक पे तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग दे देती हूँ इस क्रूज़ के बारे में इट हैज़ थ्री डेक्स वन इज़ द लोअर डेक वन इज़ द मिडिल डेक और उसके बाद है अपर डेक लोअर डेक हमने डिज़ाइन किया है पार्टीज के लिए जो कि एक पब की तरीके से यूज़ होगा मिडिल ऑफ द सी में पार्टी करने का एक अपना ही मजा है तो ये पूरा और रंग रूप उसको वैसा ही दिया गया है जो मिडिल डेक है वो है बैंकवेटिंग के लिए नंबर ऑफ लाइक लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग्स के लिए जहाँ पर कुछ सेरेमनीज कंडक्ट किए जा सकते हैं और उसके बाद आता है द चेरी ऑन द केक विच इज़ लाइक द अपर डेक अपर डेक क्यों इतना ज़्यादा मुझे एक्साइट करता है इनफैक्ट सारे पैसेंजर्स को एक्साइट करेगा जो यहाँ आएंगे क्योंकि वो आपको देगा पैन व्यू 360 सिक्सटी डिग्री ऑफ अरेबियन सी एंड ऑफकोर्स एज वील मूव हैड टू इंटरनेशनल वाटर्स हमारे व्यू भी चेंज होता रहेगा एंड आप लोग बहुत मज़ा कर सकते हैं यहाँ पर इसकी कैपेसिटी है 200 पीपल की इसकी टिकटिंग मैं आपको बता दूं तो एडल्ट के लिए है 5000 और किड्स के लिए 4000 रखा गया है इसमें अरेंजमेंट्स के अगर क्योंकि मैंने बताया आपको कि ओवरनाइट जर्नी है सो हाउ पीपल आर गोइंग टू रेस्ट इन बिटवीन क्योंकि एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ ओवरनाइट चलेंगी सारे लग्जरी एक्सपीरेंस यहाँ पर दिए जाएंगे उन्हें बट रेस्ट रेस्ट करने करने के के लिए लिए कुछ हैं हैं जो कि कि फर्स्ट फर्स्ट कम सर्व बेसिस बुक किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम जैसे एक फ्लाइट होती है है उसमें जर्नी होता तो तो रिक्लाइनर्स लगाए जाते लोगों को रेस्ट करने के लिए, तो उस तरीके की फैसिलिटीज भी पे रहेंगे। प्रकाश नाम कैप्टन अरविंद इसमें इसमें खास बात यह है कि आप समंदर के रास्ते जो है आप बम्बई से ले सूरत तक प्रवास करते हैं और इस प्रवास में आपको वो सुकून मिलता है जो जैसे स्वर्ग का आनंद मान लो क्योंकि समंदर का सफ़र जो रहता है ठंडी हवा रात की चांदनी आपको ऊपर एक डेक है वहाँ पे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और समंदर में संगीत के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं बढ़िया खाना मिलेगा यहाँ पे और बढ़िया रहने की जगह मिलेगी यहाँ पे 18 कैबिन्स है और तीन लेवल पे डेक है एक डिस्कोटेक डेक है एक कॉन्फ्रेंस डेक है और वहाँ पर पार्टी हॉल्स है और ऊपर का डेक तो पूरा ओपन है और वहाँ पर बहुत ही बढ़िया डी और संगीत का मज़ा मिलता है यहाँ से बम्बई का सफ़र जो है सत्रह से अठारह मैक्सिमम अठारह सत्रह घंटे में आपको पहुंचा देता है क्योंकि 130 नॉटिकल माइल का ये डिस्टेंस है हमको स्पीड सात से आठ नॉटिकल माइल मिलता है और बहुत ही बढ़िया आरामदाई आपको सत्रह से अठारह घंटे में ये वहाँ पहुंचा देता है तो चुना गया था। था। सूरत इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पे यहाँ से कोई फेरी नहीं था और यहाँ पे यहाँ के लोग जो है क्राउड वो चाहते हैं बेसिकली चाहते हैं और उनके रिस्पांस से पता चला है कि कोई ऐसी फेरी होनी चाहिए जो यहाँ से बम्बई तक उनको मज़ा करते लेके आए और बम्बई भी घूमे और वहाँ के लोग यहाँ पे भी सूरत में आके घूमें દોનો દોનો સ્ટેટ કે બીચ મેં એક અચ્છા બંધન હૈર એ બંધન જો હૈ બહુ આગે લાભદાયી ઓર શુભકારી સાબિત હોવાળા હે બહુત હિ બઢિયા હે સુરતથી મુંબઈ જવા સ્ક્રૂઝ રવાના થઈ છે ત્યારે આપણી સાથે મેડમ જોડાયા છે એમની સાથે વાત કરીએ કે આ સ્ક્રૂઝ છે સુરતથી જ કેમ શરૂ કરવામાં આવી છે અને આની શું વિશેષતા છે એ આપણે મેડમ સાથે વાત કરીને જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ आ, मेरा नाम ट्विंकल सहगल है मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ मुंबई मेड इन क्रूज़ की और मुझे बहुत गर्व और ख़ुशी हो रही है आज हम इस पोर्ट पर खड़े हैं और आप जैसे कि देख सकते हैं कि क्रूज़ अपनी पहली वॉयज ले रहा है ये एक काफ़ी अद्भुत एक्सपीरियंस होगा लोगों के लिए क्योंकि तीन डेक्स हैं इसमें इसमें रहने की भी सुविधा है विशेषता अगर मैं बोलूँ तो आ, खाना पीना इन्जॉयमेंट जो भी आप सोच सकते हैं जो हम इंटरनेशनल क्रूज़ में सुविधाएँ होती हैं उस प्रकार की सारी सुविधाएँ इसमें मिलेंगी इनफैक्ट लोगों के रहने का भी यहाँ पर सुविधा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कैबिन्स भी हैं आप सोकर आनंद ले सकते हैं अपने रूम के व्यू से आप सागर देख सकते हैं और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा आप जानते हैं कि समुद्र में जो अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यू भी बदलता रहेगा सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट देखिए सूरत जो है वहाँ और बॉम्बे के बीच में आज से नहीं सालों साल सदियों से व्यापार चला आ रहा है कितने सारे लोग हैं टेक्सटाइल से डायमंड मर्चेंट हैं जो टू एंड फ्रो आते हैं और काम लाखों की तादाद में लोग ये करते आ रहे हैं कोस्टल टूरिज्म एक मोदी जी का भी सपना है जो उन्होंने बताया है उसको वो प्रमोट करना चाहते हैं गुजरात से काफ़ी सारी ऐसी पहल हो रही है और वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं तो हम आगे भी इसको देखेंगे कि कहाँ तक हम इसमें अप्रोच कर सकते हैं बट फिलहाल के लिए सूरत और मुंबई के बीच में ये दूरी तय करी जाएगी क्योंकि गुजरात मेरी बोर्ड ने भी हमारा काफ़ी साथ दिया है इसको होने के लिए ચોક્કસપણે મેડમનું કહેવું છે કે સુરત એ ડાયમંડ સિટી છે ને સુરતના વાસીઓને આની સુવિધા મળી રહે એના માટે આ એસઆરથી ક્રૂઝ ચાલુ કરવામાં આવી છે કેમેરામેન મયુર ટેલર સાથે મુકેશ ગૌરવ દિવ્યાંગ ન્યૂઝ સુરત